जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये चीजों को लेकर थोड़ी समस्या है और एक बिजली बहुत कम आ रही है क्षेत्र में, वो बिजली की वजह से किसानों को फसल की सिंचाई नहीं कर मिली है, एक हमारी डिमांड ये है। दूसरी कुत्ता पशु ऐसे हैं कि बिल्कुल दिन में तो किसान काम करे और रात को चौकीदारी, यही कुछ समस्या है जिनको लेकर आपसे मिलना हुआ है और गन्ना किसानों का भुगतान शीघ्र किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये हमारा निवेदन है, ये हमारा डिमांड है आपके पास। अगर उत्तर प्रदेश किसान एकता संघ का प्रभारी हूँ और मेरे साथ में भाई शोएब इजहार अली जी, ये भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश के प्रभारी हैं, जितने भी ये किसान साथी हमारे आए हैं और संगठन के पदाधिकारी हैं। हमें ये मालूम चला कि बहेड़ी के अंदर पूरी तहसील में किसान इतना दुखी है, परेशान है, लाइट आ नहीं रही है, जिसकी वजह से किसान अपनी खेतों की सिंचाई नहीं कर रहा है। धान का सीजन चलने को है, धान की रुपाई नहीं हो पा रही है, किसान की फसल जो उसने बना ली है वो सूखा की वजह से बर्बाद हो रही है। डीजल इतना महंगा है कि डीजल लगाकर किसान खेत की सिंचाई करना नामुमकिन है, इसलिए आज हम जिलाधिकारी महोदय जी से, उप जिलाधिकारी महोदय श्रीमती आदरणीय पारुल तरार जी से निवेदन करने आए हैं कि बहेड़ी का किसान परेशान है, दुखी है और बर्बाद है। इसी के साथ साथ पिछले साल का गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, इतना बड़ा मजाक, इतना बड़ा अन्याय किसानों के साथ किया जा रहा है कि जो पिछले साल गन्ना किसान ने डाला उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ। अगर किसान उसी गन्ने से बनी हुई चीनी खरीदता है बनिए से जाकर, तो उसे तत्काल पैसा देना होता है। इतना बड़ा मजाक पूरे देश के अंदर किसानों के साथ हो रहा है, इसलिए आज हम बहेड़ी में आए हैं और ये डिमांड की है हमने कि ये सारे के सारे मुद्दे, जैसे बिजली सुचारू की जाए, हम ये नहीं कहना चाहते कि शहर से बिजली की कटौती की जाए, लेकिन महत्वपूर्ण गांव है ये देश, ग्राम प्रधान देश है, अगर गांव के अंदर लाइट नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, किसान अपनी सिंचाई कैसे करेगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं अगर आवश्यकता है तो भले ही शहर से बिजली की कटौती की जाए, लेकिन किसानों को पूरी बिजली मिलनी चाहिए, इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। और गन्ना किसानों का भुगतान तत्काल होना चाहिए 14 दिन के अंदर, और अगर बरेली की तहसील बहेड़ी की चीनी मिलों ने गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया, हमने 15 दिन का टाइम दिया है, हम 15 दिन बाद यहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, लेकिन गन्ना किसानों का भुगतान करा कर रहेंगे, ये हमने अल्टीमेटम दिया है। माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन हमारे सभी साथियों ने मिलकर आ दिया।